वर्मा जी, भाई परशुराम जी, और मैं आसान आसान नहीं होता। मैं गलती कर जाऊं और मैंने गलती कर दिया है, जो काम मुझे पहले करने चाहिए तो मैं बाद में कर रहा हूं। आदरणीय बाबा जी बिमला प्रसाद त्रिपाठी जी, बिमला प्रसाद तिवारी जी आए और माननीय का स्वागत वंदन अभिनंदन करने का काम करें। परम आदरणीय विजय बहादुर सिंह जी, भाई तेज बहादुर सिंह जी, मामा ललन प्रसाद तिवारी, ओमकार तिवारी, अविनाश तिवारी, आप सब भी माननीय का स्वागत वंदन अभिनंदन करने का काम करें। और अब कहते हैं भाई अपनों पे दृष्टि थोड़ी लेट पड़ती है, वो दृष्टि जल्दी पड़ जाती है। अब परम आदरणीय भावेश तिवारी जी, सहयोग की जरूरत थोड़ी बताई जाएगा। अब कुछ लोग इतने करीबी होते हैं कि उनका वही नाम पता रहता है। भाई धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र सिंह जी, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं अनावश्यक विलंब कर रहा हूं, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से यहां मौजूद, चूंकि घर का कार्यक्रम है, गांव का कार्यक्रम, और हम सब लोग स्वागत कर ही रहे। स्वागत का जो एक औपचारिक तरीका है वो तो ये हुआ, बाकी स्वागत तो असली मन वचन कर्म से होता है और उसके लिए हम लोगों की तत्परता सुबह से आई है। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए और यह निवेदन करते हुए छोटे भाई संदीप जी से कि यदि अभी सूक्ष्म जलपान की कोई व्यवस्था हो तो तुरंत कराए, अदरवाइज फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ के। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा कार्यक्रम में आगे बढ़ करके फिर हम लोग करें, तो जैसा निर्देश हुआ है कि हम लोग सीधा कार्यक्रम में आगे बढ़े। तो भारतीय परंपरा किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जो आदेश देती है, उस आदेश में दीपार्चन एक महत्वपूर्ण उपक्रम होता है। तो मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय चाचा जी के चित्र के समक्ष दीपार्चन करके, पुष्पार्चन करके और इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करा दें। रूप से छोटे भाई संदीप के सौजन्य से ही सही हम लोगों को एक कश्ती मिली है और हम एक साहिल के रूप में एक स्वस्थ समाज की, एक संस्कारिक समाज की और एक ऐसे समाज की जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के होता दिखाई दे, उसकी रचना करनी है। और उस रचना के निमित्त जैसे संदीप ने अपने उद्बोधन में कहा कि एक गिलहरी प्रयत्न, एक टिटिहरी प्रयत्न, और हर गिलहरी प्रयत्न, टिटिहरी प्रयत्न या भगीरथ प्रयत्न के बीच में कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। अंतर होती है, अंतर होता है, अंतर निहित चीज अगर है तो है भावना, और भावना अगर सत्प्रचित है तो किसी भी प्रयत्न को छोटे बड़े की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और वह एक बड़ा प्रयत्न है और इतना बड़ा प्रयत्न है कि अगर उस प्रयत्न के अनुरूप काम करने की कोशिश करें तो आदरणीय मुख्य अतिथि का बहुत समय जाएगा, आदरणीय मुख्य अतिथि का बहुत समय जाएगा, क्योंकि जितना लंबा कार्यक्रम और जितना लंबा वितरण होना है। तो संदीप जी, आप लोगों से थोड़ा सा, हो सकता है आपका विचार कुछ और रहा हो,
लेकिन मैं क्षमा चाहते हुए इसमें कुछ संशोधन कर लेना चाह रहा हूँ अपने स्तर से, और मैं चाह रहा हूँ कि आदरणीय से कुछ लोगों का वितरण करा दिया जाए, शेष वितरण हम सब लोग आपस में मिलजुल के कर लेंगे, और ऐसे में हम चूंकि हमारे पास हितग्राहियों की सूची किसी प्रकार के विवाद या द्वेष से ग्रस्त नहीं है, सूची किसी प्रकार के प्रलोभन या किसी अन्य किसी भी भाव से नहीं बनाई गई है। भाव सिर्फ एक था, अपने पिताजी की स्मृति में कुछ बेहतर करना। बहुत संभव इसमें संदीप से बोलने का बहुत ज्यादा मुझे तजुर्बा नहीं है, मैं कभी बोला तो हूँ नहीं, लेकिन आपका एक प्यारा सा आदेश है इसलिए मान भी रहा हूँ। मेरे सारे पुराने हमारे अनुजवत देव और आनंद जी और सब लोग हैं मौजूद यहाँ, और कुछ नए लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक हमारी समाज की एक संरचना इस तरीके से की गई हमारे पूर्वजों के द्वारा कि पिता का ऋण पुत्र से उऋण होने के लिए और सामाजिकता के नाते हम वसुधैव कुटुंबकम के लोग हैं, हम संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, और परिवार के संपन्न होने के नाते हमारा दायित्व होता है कि अपनी संपन्नता से उन लोगों को सहयोग करें जो किसी प्रकार से किसी कष्ट में हैं। उस परंपरा का निर्माण करते हुए संदीप ने प्रयास किया, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक पुत्र ने अपने पिता के स्वप्न को साकार किया है, इसके लिए संदीप हमेशा साधुवाद के पात्र रहेंगे। आप सब लोगों की प्रेरणा से आपके पगीज के बच्चे ने ऐसा किया, इसलिए सब के लिए बधाई के पात्र आप भी हैं। धन्यवाद। आपने बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो मंत्र हमारे भाव रहता है, वो भाव किस रूप में कब कैसे व्यक्त हो जाए इसकी कोई सीमा नहीं है। तो अगाध प्रेम है तो अगाध उसके तरीके हैं व्यक्त करने के, और हम सबका सौभाग्य है। गोस्वामी ने कहा कि एक घड़ी आधी दे पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो ऐसे लोगों के संगत में अगर हम लोग भी बैठने को पाए तो हमारा भी एक भाग्य है। और अब हमें लगता है यदि आप सबकी अनुमति हो तो हम जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्र हुए हैं उस उद्देश्य में आगे बढ़ा जाए, उस कार्यक्रम में आगे बढ़ जाए। मुख्य अतिथि की अनुमति लेकर के मैं अब इस कार्यक्रम में वितरण के कार्यक्रम में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि चूंकि कहते हैं लेडीज फर्स्ट मात्र एक सम्मान भी आपका किया गया है, पूरे सम्मान से पूरे मन से पूरे समर्पण के भाव से आदरणीय ने। अब आप रामशंकर जी हो, अगले क्रम पे चमेली पत्नी सुनील, चमेली पत्नी सुनील उपस्थित है जी, फूला पत्नी सालिक राव, फूला पत्नी सालिक राव, चरना पत्नी किल्ले, चरना पत्नी किल्ले मौजूद है क्या? अगले क्रम पे अब चरणावी सुभावती पत्नी कल्लू, चरना पत्नी किल्ले के बाद सुभावती पत्नी कल्लू, जल्दी जल्दी आओ जा, विपन्ना पत्नी रामचंद्र, विपन्ना पत्नी रामचंद्र, श्यामकली पत्नी हर्षु, अन्य सहयोगी अपनी जिम्मेदारी संभाले। भाई आनंद जी राजलली पत्नी हरिश्चंद्र,
हरिचंद, रानी पत्नी तूफान, सोना पत्नी आसाराम, ये दो आसाराम होंगे, सबका मिले, इंद्रावती पत्नी आसाराम, सोना पत्नी आसाराम, सही है? इंद्रावती पत्नी गलत लिखा था, चलो ठीक है। अच्छा, स्वभावती पत्नी वीरो, निशा पत्नी अरविंद, पुत्र 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 उपस्थित है, कन्हैया पुत्र भगेलु, भागीरथी पुत्र राम जी आओ, भागीरथी घमंडी बंसी कुमकुम राम दो, बांट दिया भैया, आपको खड़ा हो गया दादा पे, सब कोई बाकी पर भाई सब ना, राजू चाय पियाइन कहियो न कुछ खियाइन पियाइन, देते राम अजवर राम सूरत, राम अजवर और राम सूरत दोनों लोग आ जा भैया, गोवंडली भैया गोवंडली मौजूद है, छपसी राम गणेश, दिल राजी राम अवतार, कृष्ण कुमार सुमित्रा राम शरण, मनसाराम राजेश दुबे मकसूदन, बहुत बड़ी सजा वाला यही गड़बड़ा दिए थे ना, नेवतवा दे दे जो उन बा हम कहें भैया हमें फैजा से आवे रहे बताई दिया ना भैया रजय हर वाला एक एक लोग आ सबका मिल, राजेश दुबे मकसूदन विवेक मनोज शांति और हमारे भुआतपुर के भी लाभार्थी है हितग्राही है गेना पत्नी राम मिलन भुआतपुर से, भैया गेना पत्नी आवे आप आ गया भैया अब गेना पत्नी राम मिलन भुआतपुर से, सिंगारी पत्नी बिहारी, संतराम पुत्र हरिपाल, बहाऊ पुत्र जेठू, बहाऊ पुत्र जेठू, मैं यह बताते हुए कि सूची चूंकि अनुपाल को अगर सभी हितग्राही और अन्य सभी लोग ध्यान दें, हालांकि अल्पाहार आपको मिल रहा है बट रहा है लेकिन सबके लिए पर्याप्त मात्रा में अल्पाहार की व्यवस्था है, बिना अल्पाहार किए यहां से प्रस्थान नहीं करेंगे और इस हिसाब से कंबल ये वितरण का कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम अभी क्योंकि और एक छोटा सा गिलहरी का प्रयास शुरू करने जा रहा हूं जो कि एक समाज को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा और मेरे इस छोटे से प्रयास से सरल व्यवहार के धनी आदरणीय पिता तुल्य आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी, चाचा जी प्रधान जो कि लगभग 40 वर्षों से आपका सहयोग रहता है, 40 वर्षों से चाहे इनका आदमी हो बैकवर्ड सीट। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा अपने तरफ से अपने भाव प्रसूर अपनी तरह से अपनी तरह थोड़ा मेम्बर कर देखिए आजकल ये भी तरीका है आपके टाइम अच्छा अच्छा गुप्ता बड़ी आसान नहीं है तो हो सकता है मैं कुछ लोगों के नाम या पद नाम ये बताने में गलती कर जाऊं तो क्षमा करिएगा।